इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम नाइन्थ प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, ड्यूअलिटी। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलने वाले हैं ऐसे फंक्शंस के निकलेंगे जिनका हम इन्वर्स इजीली फाइंड नहीं कर सकते। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे फंक्शन को निकालेंगे। देखो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, पहले ये प्रॉपर्टी कहती क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, अगर xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है, देन ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम इस फंक्शन को, ये x ऑफ ओमेगा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा की जगह t रिप्लेस कर देंगे, देन क्या होगा, x ऑफ t को रिप्लेस कर दो ओमेगा को रिप्लेस कर दो t से, तो x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है किसके इक्वल हो जाता है, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय स्मॉल x, और इसमें t को किससे रिप्लेस करना, माइनस ओमेगा से, ठीक है। हुआ क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, टी को ओमेगा को रिप्लेस कर रहे हैं टी से, ठीक है। जहां जहां ओमेगा होगा एक्स ऑफ ओमेगा में, मैं ओमेगा की जगह क्या लिख लूंगा, टी, जरूरत के हिसाब से। और जब टी होगा तो मुझे क्या कर लूंगा, टी की जगह क्या लिख लूंगा, माइनस ओमेगा और टू पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कहती है ये प्रॉपर्टी। अगर ये चीज फ्रीक्वेंसी में है तो मतलब ये ओमेगा टर्म में, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात कर रहा तो ये टू पाई नहीं आता, ठीक है। सेकेंड इसमें मैं बता देता हूँ कैसे, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एफ है, इसी को मुझे रिप्लेस करना है, तो कैपिटल अगेन एफ की जगह क्या लिख लूंगा, टी, राइट साइड लेफ्ट साइड में आ जाएगा एक्स ऑफ टी, ये फंक्शन इधर आ जाता है, ठीक है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पाई ना मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ माइनस एफ केवल, ठीक है। बाकी का काम सेम रहेगा। देखो f को किससे रिप्लेस किया मैंने, t से, और t को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस f से। अगर f के टर्म में पढ़ ले जाता तो हम ओमेगा का टर्म ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो xt है, xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे पलट सकते हैं, और जहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा को t से रिप्लेस कर देंगे, और क्या कर देंगे, t को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। अब देखो इसको क्वेश्चन में कैसे देखना, ठीक है। यहाँ तक प्रॉपर्टी समझ आई, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, हमेशा डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे नहीं जाता। तो हमसे कह रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो 4 sinc 3t का। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, देखो अगर वैसे निकालने जाओगे तो बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे कभी भी, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसका कितने आसानी से निकाल सकते हैं, हमें पता है। हमने एक क्वेश्चन किया था, रेक्ट का जो आंसर आया था क्या आया था, सिंक आया था, ठीक है। आई थिंक थर्ड वीडियो था जिसमें रेक्टेंगुलर पल्स थी उसका आंसर आया था सिंक। यही है ना, बस हमें इतना ही पता होना चाहिए कि रेक्ट का सिंक आया था, हम उसका सिंक का रेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही तो है ड्यूअलिटी। अगर एक्स टी का कैपिटल एक्स ऑफ टी है तो वो पलट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें पता है एक जो वेब फॉर्म थी ए रेक्ट टी अपॉन कैपिटल टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो कितना था, ए कैपिटल टी सिंक ओमेगा टी अपॉन टू, ठीक है, यही था। अब ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, हम क्या कर सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। यानी इस वाले फंक्शन में क्या कर देंगे, ओमेगा की जगह टी रिप्लेस कर देंगे, और जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है टी की जगह माइनस ओमेगा और दो टू पाई से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये होती है ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए टी सिंक ओमेगा को किससे रिप्लेस करना, ओमेगा को यहाँ पे, ये जो ओमेगा टी से, ठीक है, तो टी से इसको रिप्लेस कर देंगे, टी कैपिटल टी बाय टू हो जाएगा ये, सॉरी इसको पेन का कलर में चेंज कर, टी कैपिटल टी बाय टू हो जाएगा, केवल ओमेगा को रिप्लेस करना है, बाकी का और किसी को नहीं छूना, ठीक है। आई बात समझ आता, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसके इक्वल हो जाएगा, देन ये क्या आ जाएगा, टू पाई से तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है, इस वाले फंक्शन को ए, बाकी का ऐसे ही आएगा, टी को बस माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देना, रेक्ट माइनस ओमेगा अपॉन टी, आई बात समझ? ठीक है, हुआ क्या है, अगेन मैं एक बार फिर मेंशन करता हूँ, ओमेगा को रिप्लेस किया है हमने टी से, ठीक है, ओमेगा इज रिप्लेस्ड, ओमेगा रिप्लेस्ड बाय टी, ठीक है, और यहां पे क्या होता है, दूसरी साइड क्या होता है, टी को रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस ओमेगा से, ठीक है, टी रिप्लेस्ड बाय माइनस ओमेगा, और टू पाई से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, ये सब तो याद रखना ही है, जैसे मतलब फंक्शन को पलट सकते हैं, बस ओमेगा या टी कर देंगे, टी की जगह माइनस ओमेगा कर देंगे, तो टू पाई से मल्टीप्लाई करके अगर ओमेगा के टर्म में पढ़ लें, तो ये है सारा खेल, ठीक है, तो आगे देखते हैं, इस सब को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, जो एक्स्ट्रा लिखा था मैंने, तो ये क्या बचेगा हमारा, अब देखो हमारा जो ओरिजिनल, देखो हमें इस चीज का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता चल चुका है, सिंक का, ठीक है, सिंक का क्या होता है, अब सिंक का मुझे फॉर्मूला पता चल गया ना, ड्यूअलिटी की प्रॉपर्टी से ये होता है, ठीक है, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से मुझे पता चल गया ये होता है, तो मुझसे पूछा गया 4 सिंक 3 टी का बताओ कितना होगा, तो मैं इस वाले फंक्शन से कंपेयर करता हूँ एक्स ऑफ टी को, तो ध्यान से देखो कैसे कंपेयर करना, ए टी की वैल्यू जो कितनी है यहाँ पे, ए टी की वैल्यू है 4, ठीक है, ए टी की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, नहीं मतलब पहले ए और टी की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, ए टी की निकाल के इस वाले में रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, तो ए टी की वैल्यू कितनी है 4। अगला अगला क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दूसरा क्या, टी का कोएफिशिएंट कितना है इसमें 3, टी का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट है 3, और टी का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना, कैपिटल टी बाय 2, ठीक है, इनको बराबर कर दो, तो कैपिटल टी बाय 2 का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 3, तो यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू निकल गई, यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू आ गई कितना 6, ठीक है, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर रख दूँ मैं ए की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि जो मेरा आंसर है वो कितना है, ए की वैल्यू चाहिए और ओमेगा की वैल्यू, सॉरी टी की वैल्यू चाहिए कैपिटल टी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए इंटू 6 इजिकल्स टू 4, एक्स टू 4 बाय 6, यानी इसको रिड्यूस कर दो, एक्स टू कितना आ जाएगा 2 बाय 3, ए और टी की वैल्यू निकल चुकी है, अब मैं इस वैल्यू को निकालता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बस वैल्यू लगा दो इसमें, ए टी की वैल्यू मानी थी हमने 4, ठीक है, सिंक टी बाई 2 की वैल्यू थी 3, ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू लगा रहा हूँ मैं, जो रेड पार्ट में वो किया हुआ है मैंने, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, 2 पाई, ए की वैल्यू कितनी आई है 2/3, 2/3 लिखूंगा, देन रेक्ट माइनस ओमेगा अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू 6, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 सिंक 3 टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसकी मल्टीप्लाई कर ली तो ये बन गया 4 पाई बाय 3 रेक्ट माइनस ओमेगा बाय 6, ठीक है, माइनस ओमेगा बाय 6, और एक बात मैं बता दूं, जो रेक्ट फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है, कैसे, देखो यहाँ पे इसी फंक्शन को मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर इसका हम इसको ड्रॉ करें तो वो किस टाइप का दिखेगा, इसका ड्रॉ करता हूँ मैं ये फंक्शन कैसा दिखेगा, तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे देखो इसको पेन का कलर चेंज कर दिया, तो इसको मुझे ड्रॉ करना, इसका एम्पलीट्यूड है 4π/3 और इसका पीरियड है 6, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, -3 से +3, ठीक है, मैंने बताया था -t/2 से +t/2 होता है इसका पीरियड, जब जाके कैपिटल टी बनता, तो ये इस टाइप से रहा होगा, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक दिखेगा, ये -3 ये +3, ठीक है, ये जो 6 पीरियड होता है, ठीक है, ये जो इसका पीरियड है, और ये क्या होता है 4π/3 इसका एम्पलीट्यूड 4π/3, ये इस टाइप का, आप ध्यान से देखो दोनों साइड ये क्या एक जैसा ही है, ठीक है, तो यहाँ से क्या देख रहे हो, तो रेक्ट फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है, रेक्ट फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है, इवन होता है, ठीक है, तो इवन होता है, तो मैं रेक्ट माइनस ओमेगा बाय 6 को कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा बाय 6, ठीक है,
तो ये पार्ट मुझे दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया जब भी रेक्ट फंक्शन लिखोगे माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा हो जाएगा, ऐसे ही डेल्टा में हो जाता है, मतलब वो दोनों इवन फंक्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ही दोनों तो मैं फंक्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, बहुत आता है ये एग्जाम में, क्योंकि इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में कोई चीज अच्छी लगती है तो ये सिंक का पूछ लेगा, या वो जहाँ पे स्क्वायर होता है या किसी कॉन्स्टेंट का, इस टाइप से जो मैं क्वेश्चन इसमें कवर करने वाला हूँ उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो ये माइनस ओमेगा माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, रेक्ट क्यों होता है, रेक्ट क्यों प्लस हो गया, क्योंकि रेक्ट क्या इवन फंक्शन है, ठीक है, ये 4π/3 रेक्ट ओमेगा बाई 6 को मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो देखो हमने फोर सिंक थ्री टी को कितने आसानी से ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया, ठीक है, इसी तरह से करेंगे नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम। नेक्स्ट देखो 8/4 + t² देखो इस टाइप का तो का भी मैंने पढ़ाया था, बताओ कैसे याद रखना, एक जो e की पावर माइनस a मोड ऑफ t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था वो कितना आया था 2a/ω² + a², जहां पे ओमेगा देखा इसका मतलब हम ओमेगा को तो t बना सकते हैं, ठीक है, तो मैं याद दिला दूं, देखो मैं बोल चुका हूं पहले इन फॉर्मूलों को याद रखना, मैंने इसलिए वो कराए थे वहां पे, क्या था फॉर्मूला अगर याद हो, मैं पूरा प्रूफ करवाया था e की पावर माइनस a मोड ऑफ t, लीनियरिटी प्रॉपर्टी में आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसका जो आंसर आया था फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आया था, तो कितना आया था 2a/ω² + a² आया था, ठीक है, जहां पे हमें राइट साइड ऐसे देखी ओमेगा के टर्म में, यहाँ पे t² a² बन जाएगा, यानी हमारा नीचे वाला काम तो बन जाएगा डिनोमिनेटर का, ऊपर तो कॉन्स्टेंट है उसको तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिलहाल अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी सॉरी ड्यूअलिटी लगाते हैं इसमें, अगर मैं ड्यूअलिटी लगाता हूँ तो ये किस क्या बन जाएगा, इधर ले आऊंगा इसको मैं ओमेगा को रिप्लेस कर दूंगा टी से, तो ये कितना हो जाएगा 2a टी को रिप्लेस कर दो सॉरी ओमेगा को रिप्लेस कर दो टी से, तो ये हो जाएगा t² + a² का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा 2π की मल्टीप्लाई करते हैं एक तो e की पावर माइनस a और t को रिप्लेस कर देते हैं किससे माइनस ओमेगा से, t को की जगह क्या लिख लूंगा मैं माइनस ओमेगा, ठीक है, तो ये मोड के अंदर है माइनस ओमेगा, तो मोड नेगेटिव का क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो मैं इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता हूँ, तो ये फिर मेरा क्या हो जाएगा 2a/t² + a² का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कैसा क्या बन जाएगा 2π e की पावर माइनस a mod of ओमेगा, ठीक है, क्योंकि मोड में था नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है। अब देखो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड जो बिल्कुल जो क्वेश्चन है इस टाइप की बन चुकी है, हमेशा कंपेयर करते टाइम याद रखना जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको कंपेयर करना, तो यहाँ पे टी स्क्वायर है यहाँ पे टी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी हिसाब से, यहाँ पे देखो इस 4 को ए स्क्वायर की वैल्यू इससे कंपेयर करूंगा मैं, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, जब स्क्वायर रूट लूंगा, ठीक है, ए की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो मैं इस फॉर्मूले में लगा दूंगा पुट ए कॉस्ट 2 इन दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 × 2t² + 2² का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा 2π e की पावर माइनस a की जगह कितना 2 मोड ऑफ ओमेगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, तो ये क्या मिल जाएगा 2 की 2 से की तो 4 बन गया इधर, सॉरी ये 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, मैंने 2 का स्क्वायर इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/t² + 4 फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका कितना आ गया 4π e की पावर माइनस 2 mod of ओमेगा, ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन चाहिए 8/4 + t² डिनोमिनेटर तो मैं ले आया 4 + t², मुझे न्यूमिनेटर में चाहिए 8, तो मैं क्या कर दूंगा बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का दोनों तरफ, ठीक है, तो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैं क्या कर देता हूँ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो 4 × 4/t² + 4
एक काम करता हूँ, इसको रेड उससे दिखाता हूँ, रेड पेन से, ठीक है, ताकि वहां पे याद रहे। तो हमें 8 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर लूंगा दोनों तरफ, टी स्क्वायर प्लस 4 है ये, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, तो 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ भैया, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा ये, ये 4 पाई कहाँ से आया, सॉरी ये 2 पाई था, मैंने मिस्टेक कर दी, 2 पाई था ना ये, ठीक है, ये 2 पाई था, ठीक है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई किया था एक्स्ट्रा, तो ये 4 अपॉन ये चल रहा था फॉर्मूले में, 2 एक की जगह 2 रखा तो ये ऊपर हो गया 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, इधर 2 पाई ई की पावर माइनस 2 ओमेगा। अब 2 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ की है मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई ई की पावर माइनस 2 मोड ऑफ ओमेगा। तो इधर तो ये लेफ्ट साइड साइड में क्या बन गया, क्या बन गया, 8 बन गया, ठीक है, 8 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, 4 पाई ई की पावर माइनस 2 मोड ऑफ ओमेगा। ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक है, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। ये इसी तरह से देखो, ये एक सिंक का एक ये ई की पावर ये वाला टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आया था डिनोमीटर में, इसका एक कांस्टेंट का, ये तीनों तो मैं याद रखने हैं, ठीक है, इससे ड्यूलिटी के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, खासकर ये पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन सिंक और ये बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे, कभी वो रेक्ट पूछ लेगा, कभी सिंक पूछ लेगा, यही पूछेगा, ठीक है। तो ये देखो इसका कितने आसान तरीके से, कुछ ज़्यादा तो हमें करना पड़ा नहीं, ड्यूलिटी प्रॉपर्टी से बहुत आसान है, एक बार ए की वैल्यू पूछी, और पहली बात सेकंड थिंग है कि फॉर्मूले याद करना, इसलिए मैंने फॉर्मूले कुछ प्रूफ करके दिखाएं, ठीक है, ज़्यादातर मैं प्रूफ ही करवा के दिखाएं, ताकि फॉर्मूले भूल जाओ तो उन्हें दोबारा से कैसे मतलब प्रूफ करना ये कर सको, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करते हैं इसमें जल्दी से। फाइंड अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, वन मतलब कि इसका ग्राफ किस टाइप से होगा, हर जगह इसकी वैल्यू क्या होगी, वन रही होगी इसकी वैल्यू, ये इसका ग्राफ कैसे दिखेगा अगर मैं बनाना चाहूँ तो, वन की के लिए में सोल्व करना, ठीक है, इसकी वैल्यू जो रही होगी वन रही होगी हर जगह, ये जैसे ये जा रहा है ना, इसकी वैल्यू रही होगी वन हर टाइम के लिए, तो इस टाइप से है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ, ड्यूलिटी प्रॉपर्टी मैं कैसे लगाऊं कि इसकी वैल्यू मैं निकाल पाऊं। देखो मैंने पढ़ाया था एक डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बहुत वन होता है सब, आई थिंक कौन से थर्ड या फोर्थ वीडियो में था, हमें पता डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वन, ठीक है, बाय ड्यूलिटी प्रॉपर्टी मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शन को पलट सकता हूँ, ठीक है। तो इधर राइट साइड वाले में तो कोई ओमेगा टर्म नहीं है जिससे मैं टी से रिप्लेस करूँ, तो वन ये सीधा ही आ जाएगा इधर, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर दूसरी साइड में क्या होता है, 2 पाई से मल्टीप्लाई, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसमें टी की जगह क्या रख देता हूँ मैं, माइनस ओमेगा, 2 पाई डेल्टा माइनस ओमेगा हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, 2 पाई और डेल माइनस ओमेगा किसके इक्वल होता है, डेल ओमेगा के, ठीक है। ये क्या होता है, इंपल्स फंक्शन क्या होता है, इवन होता है, ठीक है, मैं यहां पे फॉर्मूला बता दूं, डेल्टा माइनस ओमेगा जो होता है वो डेल्टा ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ये सब मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, आज जो इंपल्स की मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी वहां पे ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो एक बार इंपल्स की प्रॉपर्टीज जाके दोबारा रिचेक कर ले, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन किए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी क्वेश्चनों में यूज होंगे, ठीक है। तो मैं ये बस फॉर्मूले याद रखने हैं, रेक्ट का सिंक होता है जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बनता है डिनोमीटर में, वो ई की पावर माइनस मोड ऑफ टी का होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा, थैंक यू, बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम नेक्स्ट वीडियो में।